महात्मा की कुटिया धो धो करके जलने लगी। लेकिन इतनी देर में इतनी जोर से आंधी आई कि उस आंधी की थोड़ी अग्नि की चिंगारी जो है वो उसके महल को लग गई, जिसने किसी को भेजा था कि जाकर के फकीर की कुटिया जला के। फकीर तो पहले ही बाहर बैठा था, अब वो महल वाले को भी बाहर आना पड़ा। उसने अब दोनों ही बाहर ही बैठे थे। महल वालों ने कहा कि बाबा जी, मैंने सुना है कि महात्मा बड़े जाने जान होते हैं, आप ये बताओ मेरा महल किसने जलाया। कबीर बोले कि जानी जान तू भी कम नहीं है, पहले तू बता मेरी कुटिया किसने जलाई। उसने कहा तेरी कुटिया मेरे यारों ने जलाई है। बोले तेरे यारों को तेरी चिंता हुई, उसने मेरी कुटिया जला दी। मेरे यार को मेरी चिंता हुई, उसने तेरा महल जला दिया। हम दोनों तो कहीं बीच में थे ही। जो परमात्मा का हो जाए, जो संसार में आकर के जिसने भजन किया, जिसने ठाकुर के समर्पण हो गया, परमात्मा उसकी जिम्मेवारी अपने सर पे ले लेते हैं। जो भी आया तेरी दहलीजे, दहलीजे ओदी पूरी हुई हरीजे, ओदी पूरी हुई हरीजे। जो भी आया सवाली कोई मुड़िया न खाली, जो भी आया सवाली कोई मुड़िया न खाली, जो भी आया सवाली कोई मुड़िया न खाली, जो भी आया सवाली कोई मुड़िया न की दसदाता तेरिया सिफत बथेरिया रहम करम भी तेरा रहमत भी रहम करम भी तेरा रहमत भी तेरिया भी आया तेरी दहलीजे जो भी आया तेरी दहलीजे ओदी पूरी होई हरीजे ओदी पूरी होई हरीजे तेरे दरबार आली की निराली शान वो देखी सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी फैलाया जिसने भी दामन तेरे दरबार में मालिक तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी भरी जो भी आया तेरी दहलीजे जो भी आया तेरी दहलीजे ओदी पूरी होई हरीजे ओदी पूरी सवाली कोई मुड़िया न खाली आया सवाली कोई मुड़िया न खाली की दसदाता तेरिया सिफता बथेरिया रहम करम भी तेरा रहमत भी तेरिया रहमो
सच्ची बात सच्ची है, दिल की बात सच्ची, दिल की बात सच्ची है, आस तेरे ते रखी है, आस तेरे ते रखी है, आस तेरे ते रखी है, तेरे ते रखी है, सजस तक तेरे ते पक्का है, करम भी तेरा है।